तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने क्रेनियल बोन्स के बारे में डिस्कशन किया था। क्रेनियल बोन्स कितने होते हैं, ठीक है, और फेशियल बोन्स के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। फिर उनको हम लोगों ने ओवरव्यू भी देखा था, पूरा डीपली हम लोगों ने स्टडी भी किया था। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, ठीक है। तो सर्वाइकल बोन, सॉरी, क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स और आपके ऑडिटरी बोन्स, थ्री। सो टोटली हम लोगों ने 25 बोन्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, इसको स्पाइनल कॉलम और बैक बोन इज मेड ऑफ इंडिविजुअल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। सो वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी या फिर स्पाइनल बोन भी कहते हैं, यानी जो पीठ का हिस्सा है, पूरा का पूरा पीठ हो या आपको गर्दन से लेकर पेट तक जो भी एक हड्डी आ रही है, उसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो बना हुआ है, वर्टिब्रे से बना हुआ है। द नेम्स ऑफ वर्टिब्रे इंडिकेट द लोकेशन अलोंग द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉलम। देखिए, ये है हमारा पूरी, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पूरा हमारा यहां से लेकर ये पूरा, ठीक वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम है। स्पाइनल कॉलम भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर से ही स्पाइन होता है, यानी नर्व्स होते हैं। ये ब्रेन है आपका हिस्सा, ये आपका ब्रेन है, ब्रेन से नर्व्स आएंगे, ये नर्व्स इसी में से जाएंगे, ठीक है। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए आपको वर्टिब्रल कॉलम रखा गया, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम लोग। तो वर्टिब्रल, ये पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम, लेकिन उसके बोन्स को एरिया वाइज नाम रखा गया। इस एरिया का अलग नाम होगा, इस एरिया का अलग नाम होगा, इस एरिया का अलग नाम होगा, फिर इस एरिया का अलग नाम होगा, यहाँ तक अलग अलग नाम से पुकारा जाएगा। देखिए, इसको कहेंगे सर्वाइकल वर्टिब्रे या फिर सर्वाइकल बोन्स। उसके बाद है थोरैसिक वर्टिब्रे, उसके बाद है लंबार, है लंबार रीजन, इसको कमर को क्या कहेंगे, लंबार रीजन। उसके बाद है सैक, इस एरिया को हम कहेंगे सैक्रम। नीचे वाले छोटे ये बोन को कॉक्सी और टेल बोन भी कहेंगे, क्योंकि दुम की तरह ये निकला हुआ है आखिरी, इसलिए इसको कहेंगे, ठीक है। देर आर सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रे, 12 थोरेसिक, 5 लुम्बार, 5 सैक्रल फ्यूजन इंटू 1 सैक्रम एंड 4 to 5 स्मॉल कॉक्सिकल वर्टिब्रे फ्यूज इंटू 1 कॉक्सिक्स। तो इस तरह देखा जाए तो कितने बोन्स हुए, देर आर सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रे। तो यहाँ पर कितने हैं, आपको सर्वाइकल में सेवन है, देखिए यहाँ पे वन, ये बोन एक है, वन टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे फोर, फाइव, सिक्स और सेवन। तो यहाँ पर आके पूरी गिनती खत्म होती है, तो सेवन बोन्स है सर्वाइकल। तो इसी तरह थोरेसिक में आ जाइए, यहाँ से गिनती हो जाइए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। सो यही कितने हो गए आपके, 12 वर्टिब्रल कॉलम्स में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप, लंबार में वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव यहाँ पे हो गए। सेक्रम, सेक्रम पूरा मिलके एक बोन तो बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी फाइव बोन्स है, सेक्रम के फाइव बोन्स, 4 to 5 बोन्स, ठीक है। और आपको मिलेंगे 1 कॉक्सी बोन, ठीक है, यहाँ पे भी 4 to 5 बोन्स। कॉक्सी में भी कितने बोन्स है, 4 to 5 बोन्स, इसको फाइव बोन्स ही कहा गया, सैक्रम में फाइव। तो टोटल कितने हो गए आपके, 7 + 12 19 हो गए, ठीक है। 19 प्लस ये फाइव कितने हो गए, 24, 24 प्लस फाइव 29, 29 प्लस फाइव आपको 4 और 5 33 या 34।
तो इतने हमारे क्या है वर्टिब्रल कॉलम 33 बोन्स कह सकते हैं, ठीक है। द सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रे आर दोज विद इन द नेक, तो सब हकीक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अब डिटेल पढ़ेंगे बोन्स के बारे में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पेशेंट्स अब देखने को मिलेंगे, आपके पास सर्वाइकल पेन बोल के आएंगे, आपके पास लंबार पेन बोल के आएंगे, आपके पास पेन बोल के आएंगे, तो आप कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पे दर्द हो रहा, ठीक है। तो इसीलिए ये सब नाम याद रहना जरूरी, सेवन यहाँ पे हो गए, सेवन सर्वाइकल हो गए, तो पहले सेवन सर्वाइकल के बारे में बात करें। द सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रे ऑल दोज विद इन द नेक, तो नेक का जितना भी हिस्सा होगा वो सर्वाइकल से बना हुआ है, ठीक है। वहां पे सेवन बोन्स, द फर्स्ट वर्टिब्रे इज कॉल्ड एटलास विच आर्टिकुलेट विद द ऑसिपिटल बोन टू सपोर्ट द स्केल एंड फॉर्म ए पाइवट जॉइंट विद द ओडोटॉइन प्रोसेस ऑफ द एक्सिस, ठीक है। अब ये जो हमारा स्कल है, स्कल से जो फर्स्ट बोन अटैच्ड है इसको हम कहेंगे एटलास, इसका नाम क्या रखा गया, एटलास रखा गया, ठीक है। इस बोन का नाम यहाँ पे दिखा गया आपको एटलास, एटलास है, और यहाँ पे थोड़ा इसका उभरा हुआ हिस्सा, इसको कहेंगे ओडोन्टॉइड प्रोसेस, ये जाके स्कल में फिक्स होगा, ठीक है। फिक्स होके फिर रोटेट के लिए हमें काम आएगा, रोटेशन के लिए, ठीक है। रोटेट जो स्कल रोटेट होता है इसी में ये रहकर रोटेट होता है, ठीक है। किस में अटैच होगा वो, ऑसिपिटल बोन से। तो ये दोनों के जॉइंट को, ये ओडोटॉइड प्रोसेस को और आपके ऑसिपिटल बोन के जो जॉइंट हो रहा है उसको पाइवट जॉइंट कहेंगे, क्या कहेंगे, पाइवट जॉइंट, ठीक है, याद रखना है। द सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रे दिस पाइवट जॉइंट अलाउज टू टर्न अवर हेड फ्रॉम साइड टू साइड, इसी वजह से हम साइड में देख सकते हैं, सामने देख सकते हैं, साइड में ये जो हमारा मुंडी, ये जो सर है हमारा, इस तरह घूमता है, ठीक है, इस तरह जो घूम रहा है हमारा, ये सब क्यों हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, ठीक है। द रिमेनिंग फाइव सर्वाइकल वर्टिब्रे डू नॉट हैव इंडिविजुअल नेम्स, द पाइवट जॉइंट अलाउज टू टर्न आवर हेड फ्रॉम एक्सिस टू एक्सिस, तो ये जो पहला है उसको हम एटलस कहेंगे, सेकंड वाले को एक्सिस कहेंगे, एक्सिस और एटलस, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट से फिफ्थ सेवन तक दोनों का नाम दिया गया, फर्स्ट वाले को एटलस, सेकंड वाले को एक्सिस कहेंगे, क्योंकि ये दोनों सपोर्ट करते हैं हमारे फेस को टर्न करने में साइड बाय साइड को, ठीक है। तो ये होना जरूरी था, इस वजह से इसके लिए रखा गया। तो फर्स्ट वाला एटलस, एक्सिस, ये पाइवट जॉइंट बनते हैं। चार चीजें याद रखना है आपको इसमें, एक तो ये बोन का नाम एटलस और सेकंड बोन का नाम एक्सिस है। थर्ड चीज याद रखने की क्या है, ये जो जॉइंट बनते हैं वो कैसा बनते हैं, ऑसिपिटल बोन और ओडोन्टॉइड प्रोसेस मिलकर बनते हैं, ओडोन्टॉइड प्रोसेस से बनते हैं, ठीक है, ओडोन्टॉइड प्रोसेस से बनते हैं, ओडोन्टॉइड प्रोसेस से मिलके बनते हैं, ऑसिपिटल बोन और ये दोनों मिलकर, ठीक है। तो ये दो चीजें, और कोसा जॉइंट का नाम क्या है, पाइवट जॉइंट, पाइवट जॉइंट इसका नाम है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, चलो ये देखिए थोड़ा नाम देखते हैं, ये तो डीपली थोड़ा इसको नाम से देखते हैं ताकि हमें याद हो जाना चाहिए। देखिए ये एरिया का नाम हो गया ओडोन्टॉइड प्रोसेस, देखिए ये वर्टिब्रल कैनाल है, ये क्या है, वर्टिब्रल कैनाल, ये जो उभरा हुआ हिस्सा इसको देखिए क्या कहेंगे, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ एक्सिस, ये वर्टिब्रल कैनाल, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ एक्सिस, ये देखिए फेसेट है, ये जिसपे हमारे ऊपर की हड्डी आएंगी रखने के लिए, तो यहाँ पर भी आपको क्या होगा, ठीक है, फेसेस ऑफ एटलस फॉर ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, ठीक है, यहां से साइड से ऐसा दिखता है, ये ट्रांसफर प्रोसेस,
ये फेसेट ऑफ रिब्स, रिब्स के आगे यहाँ पे जुड़ते हैं आगे से, ठीक है। स्पाइनस प्रोसेस, ये प्रोसेस है का, ये फर्स्ट सेवेंथ वाला, तो सेवेंथ तक इस तरह होता है हमारा जो वर्टिब्रे है, इस तरह होता है। स्पाइनस प्रोसेस होता है वहां पर, तो इससे इस वजह से सर्वाइकल का रेंज यहाँ पे हमें मालूम होता है। फिर यहाँ पे थोड़ा चेंजेस आ जाती है, लंबार में इस तरह होता है, ठीक है। वर्टिब्रल बॉडी, ये पूरा बॉडी, ये भी इसको भी हम वर्टिब्रल बॉडी ही कहेंगे, वर्टिब्रल बॉडी, वर्टिब्रल कैनाल, इसी में से क्या होंगे, हमारा स्पाइन आएगा, इसके ऊपर डिस्क होगा, फिर आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे और क्लैरिटी से दिया, देखिए। हम लोग इस चीज को देखेंगे, ठीक है। सर्वाइकल बोन्स गूगल करके देखेंगे ताकि हमें हर चीज थोड़ा आइडिया आ जाए। देखिए यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए पहला वाला एटलास, मैंने बताया था, देखिए ये हमारा स्कल है, स्कल यहाँ पे सिचुएटेड है एटलास में। फिर उसके बाद एक्सिस, सेकेंड बोन, थर्ड बोन, देखिए देखिए यहाँ पे कैसा निकला हुआ, उभरा हुआ हिस्सा है, ठीक है। ये है C3, C4, C5, C6, C7। फिर यहाँ से आपको C8 लगेगा कंधे की तरफ से, कंधे तक की जो भी है यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, C7 मिलेगा। तो ये है हमारा स्पाइन। अब एक एक बोन को थोड़ा, एक बोन को देखिए, यहाँ पे देखने से और अच्छा समझ में आ रहा, देखिए आप ये देखिए पीछे से, ये पीछे से C7 ऐसा ना, यहाँ से देखिए आपके और नर्व्स का गुच्छा निकल रहा है, स्कल है इसके अंदर फिक्स हो गया। और कोई इमेज है अच्छा वाला, देखिए इसको पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा। ठीक है यहाँ देखिए आप, ये देखिए ये आपको एक पहला वाला एक्सिस है, ये एटलास है, ठीक है। ये देखिए आपको ऊपर का ओडोन्टॉइड प्रोसेस, ये जाके ऊपर आपके स्कल में फिक्स होगा, फिक्स होगा, ये ऊपर आएगा, फिर उसके नीचे ये आएगा एक्सिस ऐसा, ये देखिए ये पूरा, इसके नीचे से एटलास पहले रखा गया, फिर उसके नीचे से सर दिया गया, यहां से आपको ओडोन्टॉइड प्रोसेस दिया गया, ठीक है। ये आपको नीचे मिलेगा, ये फर्स्ट ये रखा गया, उसके नीचे से आपको ये निकलेगा, निकल के ओडोन्टॉइड प्रोसेस, ये लिगामेंट देखिए पकड़ के रखने के लिए बोन्स को, ये अपने लिगामेंट यहाँ पे भी है, ठीक है। ये एटलास हो गया, देखिए कैसा फिक्स है, ये फोरामेन देखिए यहाँ से ही नर्व्स, बड़ा तो आपको स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से निकलेगा, ठीक है, लेकिन ये यहाँ से जो नर्व्स जाना है यहाँ से जाएंगे आप, फोरामेन बोलेंगे उसको, ठीक है। ये फोरामेन्स, और आपको मैं बताऊंगा ताकि हमें लेमाइना है, ठीक है। ये देखिए ये लेमाइना, देखिए यहाँ पे और अच्छा दिखाया गया आपको, देखिए
ये देखिए, ये आपका ये लेमाइना है, ये हिस्सा लेमाइना, ये लेमाइना है। तो होता क्या है, जब ये डिस्क थोड़ा आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ने की वजह से जो है ये नर्व कंप्रेस हो जाता है, नर्व ऐसा निकल रहा है, देखिए यहाँ से नर्व्स निकल रहे हैं, निकलने के लिए फोरामेन है, ये फोरामेन से निकल रहे हैं। ये डिस्क अगर ज्यादा हम डिस्क बल्ज जो हो जाता है, बल्ज क्योंकि यहाँ पे दबा जाता है, दबाने की वजह से क्या करते हैं, यहाँ की हड्डी को कट कर देते हैं, लैमिनेक्टोमी करते हैं, लैमाइना को करते हैं, पेडाइकल, वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अब सर्जन डिसाइड करेगा क्या करना है। ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ बस। ठीक है, तो ये देखिए लैमाइना, ये इंपॉर्टेंट है, लैमिनेक्टोमी जो करते हैं सर्जरीज वगैरह। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड आपका इस तरह नजर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी क्लास में। सो सर्वाइकल रीजन को हम लोगों ने देख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे थोरासिक रीजन। थोरासिक में 12 है, और थोरासिक वर्टेब्रे आर्टिब्रे फ्रॉम जॉइंट टू द रिब टू द पोस्टीरियर साइड ऑफ द ट्रंक, द लुम्बर वर्टेब्रे द लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द स्पाइन आर फाउंड इन द स्मॉल ऑफ द बैक, द सैक्रम पिरामिड द आर्टिकुलेशन ऑफ द टू हिप जॉइंट एंड द स्क्रो इलियक जॉइंट, द कॉकी इज द रिमाइंड ऑफ द टेल वर्टेब्रे एंड समजेस ऑफ द पेरिनियम पेल्विक फ्लोर ऑन को टू इट। तो बताया जा रहा है कि थोरासिक वर्टिब्रे है 12 है आपको, लुम्बार है, लुम्बार के जो वर्टिब्रल कॉलम है बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है, और लार्जेस्ट भी है, बड़े भी है और स्ट्रॉन्ग भी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को कमर दर्द, एक ऐसी बीमारी है ये बढ़ते जमाने में आम हो गया है, कॉमन हो गया, हर छोटे से बड़े इंसान को आपको लो बैक एक हो रहा है या फिर बैक एक हो रहा है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह मोस्ट ऑफ द कॉमन चीजें हमारी बाइक राइड, मोस्टली बाइक राइडिंग हो सकती है, ठीक है, या फिर लो डाइट, पूर डाइट कह सकते हैं आप, ठीक है, या फिर हैवी लोड का उठाना, या फिर सेडेंटरी लाइफ लाइफ स्टाइल, ठीक है, ये सब चीजें कारण हो सकते हैं हमारे लो बैक एक। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। ऑल द वर्टिब्रल और जो है सैक्रम है, ये फाइव बोन से मिलके फ्यूज होके बना हुआ है, बन के ये पेल्विक ग्रिडल यहाँ से निकलती है, ठीक है, हमें जो यहाँ को जो बैठने के लिए जो मदद करते हैं मजल्स, उसके लिए ये बोन सपोर्ट करता है, और कॉक्सी है, और आप साथों साथ यहाँ पे अपने को यूरिन ब्लैडर मिलेगा, और साथ में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलेंगे, चाहे वो लेडीज में हो या जेंट्स में हो, ठीक है, यहाँ पे कॉक्सी है, साथ में पीछे आपको देखने को मिलेगा, इस हिस्से में आपको किडनीज मिलेंगे, ब्लैडर मिलेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलेंगे, ठीक है, सब चीज़ें आपको, इसलिए यहाँ पे फ्यूज किया गया, ये स्ट्रक्चर दे दिया गया ताकि वो ऑर्गन्स इजीली यहाँ पे सिचुएटेड हो जाए। ठीक है, ऑल द वर्टिब्रे कॉलम्स आर्टिकुलेट वन अनदर इन द सीक्वेंस कनेक्टेड बाय लिगामेंट्स टू फॉर्म ए फ्लेक्सिबल बैकबोन दैट सपोर्ट्स द ट्रंक ऑफ हेड। तो यहाँ पर देखिए हर एक बोन के साथ एक लिगामेंट भी अटैच है ताकि वो अपनी जगह फिक्स्ड बैठा रहे, ताकि वो हिले नहीं, बोन ना हिले, मूवमेंट जो है आपका जो वर्टिब्रल कॉलम का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट होते रहे, ठीक है, तो ये खासियत है, ठीक है, आपके लिगामेंट्स का हो रहे की। फिर कंटिन्यूस टनल, मैंने बताया था ना, एक रास्ता ऐसा जाते रहता है, ठीक है, उसमें मेनिंजाइज भी होती है विद इन द बोन द कंटेन्स द स्पाइनल कॉर्ड एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, द स्पाइनस एंड ट्रांसफर प्रोसेस आर प्रोजेक्शन फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल दैट बर्न द वर्टिब्रल कॉलम, द फेसेट्स ऑफ सम वर्टिब्रल स्मॉल फ्लैट सरफेस फॉर आर्टिकुलेशन विद अदर बोन्स सच एज द रिब विद द फेसेट ऑफ द थोरासिक वर्टिब्रे।
द सपोर्टिंग पार्ट ऑफ द वर्टिब्रे इज इट्स बॉडी, द बॉडी इज एडजेसेंट वर्टिब्रे एंड सेपरेट बाय डिस्क ऑफ फाइब्रस कैटिलेज। देखिए ये डिस्क जो है ये मेन जो है बॉडी है, ये जो मेन सपोर्टिव है, यहाँ पे आपकी स्पाइन, स्पाइन यहाँ से जाएगा, हर एक बॉडी एक पे सिचुएटेड होगा, तो ये बैक, ये आपका बैक बन गया, ये फ्रंट है, फ्रंट है, ठीक है, ये फ्रंट, ऐसा आप झुकने झुकने जाएंगे तो सपोर्ट करेगा, ये पीछे की तरफ झुकने के लिए सपोर्ट करेगा, तो ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर बीच में आपको डिस्क भी मिलेगा, एक वर्टिब्रे से दूसरे वर्टिब्रे में क्या मिलेगा, यहाँ पे डिस्क मिलेगा जो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। देखिए यहाँ पे डिस्क फाइबरस कार्टिलेज से बना हुआ, सॉरी फाइबरस कार्टिलेज, बट दिस डिस्क कुशंस कशन एंड अब्सॉर्ब शॉक एंड परमिट सम मूवमेंट। तो ये वर्टिब्रे का काम क्या है, सॉरी ये कार्टिलेज का काम क्या है, आपको खड़ते वक्त या चलते वक्त या फिर दौड़ते वक्त क्या है, शॉक से बचाना है, कि एक नरम नरम चीज की तरह हमें प्रोटेक्ट करता है। जैसा कि हम देखिए गद्दे पे सोते हैं, जो हमारा बेड होता है वो एकदम सख्त होता है, टाइट होता है, तो उस सख्ती से बचने के लिए, सख्ती से बचने के लिए हम क्या करते हैं, गद्दी डालते हैं, गद्दी डालते हैं, ठीक है। गद्दी पे जब आप बैठते हैं तो वो गद्दी क्या हो जाता है, तो वो गद्दी उसको क्या करती है, शॉक हमारे हड्डियों को और वो जो जो हमारा बेड है उसको बचाती है, ठीक है। तो इसी तरह ये जॉइंट भी इसी तरह काम करती है, मूवमेंट के वक्त, दौड़ते वक्त, चलते वक्त, हर वक्त। सिंस देयर आर सो मेनी जॉइंट द बैकबोन ई एज ए होल क्वाइट फ्लेक्सिबल, तो इस वजह से इसमें 32 या 33 बोन्स रखा गया ताकि फ्लेक्सीबिलिटी रहे। हम हर्निएटेड डिस्क के बारे में पढ़ेंगे। द नॉर्मल स्पाइन इज एनाटॉमिक पोजीशन हैज फोर नेचुरल कर्व्स व्हिच आर नेम्ड आफ्टर द वर्टिब्रे दैट फॉर्म देम। नोटिस दैट द सर्वाइकल कर्व इज फॉरवर्ड, थोरैसिक कर्व बैकवर्ड, द लुम्बर कर्व फॉरवर्ड, द सैक्रल कर्व बैकवर्ड। दिस कर्व्स सेंट्रल द स्कल ओवर द रेस्ट ऑफ द बॉडी व्हिच एनेबल्स ए पर्सन टू मूव इजीली, वॉक अपराइट। एबनॉर्मलिटीज ऑफ द कर्व ऑफ द स्पाइन। सो देखिए यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे देखिए देखिए ये कर्व थोड़ा फॉरवर्ड है, सामने है, ये फिर पीछे हो गया, यहाँ तक थोरैसिक पीछे है, फिर ये सामने हो गया, ये फिर पीछे है, ठीक है। यानी एक दूसरे से कब सपोर्ट कर रहे, देखिए ये आगे वाला पीछे को, पीछे वाला आगे को, इस तरह पूरी तरह सपोर्ट करते हैं वर्टिब्रे, तो इसीलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम लोग ये टॉपिक के रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ के आज का लेक्चर एंड करते हैं, वो है हर्नियेटेड डिस्क। सो हर्नियेटेड डिस्क, द वर्टिब्रा इज सेपरेटेड बाय डिस्क ऑफ फाइबरस कार्टिलेज दैट एक्ट एज कुशन टू अब्सॉर्ब शॉक, एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क हैज टफ आउटर कवरिंग एंड ए सॉफ्ट सेंट्रल कॉल्ड द न्यूक्लियस पल्पस। Extreme pressure on disc may rupture the outer layer and force the nucleus pulpus out. This may occur when a person lifts a heavy object improperly. It is using the back rather than the legs and jerking up forward, which puts sudden intense pressure on the spine. Most often, this affects disc in the lumbar region, although often called slip disc. The affected disc is usually not moved out of the position. This term, herniated disc or ruptured disc. More actually described, what happens? The nucleus pulpus is forced out after, often posteriorly, when it puts pressure on its on a special spinal nerve. For this reason, a herniated disc may be very painful or impair function in the muscles supplied by the nerve. Healing of a herniated disc may occur naturally if the damage is not severe and the person rests and avoid activities that would further compress the disc. Surgery may be required. However, to remove the portion of the nucleus pulpus that is out of the place and disrupting nerve functioning. देखिए ये हमारा vertebra है, ठीक है, vertebra, एक vertebra है, single vertebra. ये हमारा body है, vertebra. इसके ऊपर जो है आपको देखने को मिल रहा है एक disc, intervertebral
डिस्क यानी दो वर्टिब्रे के बीच में डिस्क होता है। तो होता क्या, ये आपका स्पाइनल नर्व मैंने बताया, यहाँ से फोरामेन होता है, यहाँ से आपके नर्व्स निकलते हैं, यहाँ थोड़े यहाँ से निकलते हैं, देखिए फोरामेन, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल नर्व्स, ये बॉडी है, इंटा वर्टिब्रल डिस्क है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताना चाहता हूँ, देख ये इमेज को देखिए आप लोग, तो ये देखिए आपको इंट्रा वर्टिब्रल डिस्क है, ये देखिए अंदर का एक हिस्सा है, ठीक है, ये बाहर का हिस्सा है, अंदर का हिस्सा बाहर का हिस्सा दोनों अलग अलग है। ये है एनुलस फाइब्रोसिस है, न्यूक्लियस पल्पस है, ये अंदर का हिस्सा न्यूक्लियस पल्पस बहुत बहुत स्ट्रांग है, अलग यानी है बना हुआ फाइब्रस कार्टिलेज से ही, लेकिन बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना, एनुलस फाइब्रस और न्यूक्लियस पल्पस, ये दोनों बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। कुछ गलतियों की वजह से, क्या गलती हो सकती है, जैसा कि आपको फॉरवर्ड ब्रेंडिंग करना, ठीक है, कुछ हेवी लिफ्ट उठा लेना, ठीक है। तो जब क्या हो जाता है, देखिए ये डिस्क अपनी जगह पर होना चाहिए, ये भी इमेज को देखिए आप, ये देखिए ये डिस्क न्यूक्लियस पल्पस, ये अंदर वाला न्यूक्लियस पल्पस, डिस्क एनुलस, एनुलस है ये, पल्पस है, न्यूक्लियस पल्पस, न्यूक्लियस एनुलस, ये डिस्क यहाँ पे होना चाहिए। तो आपने हेवी लिफ्ट उठाया, क्योंकि ये हिस्सा सामने झुकने वाला है, ये हिस्सा पीछे आने वाला है, तो आपने किसी गलत तरीके से आपने कोई वेट उठाया, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे वजन गिरा, इसकी वजह से ये एनुलस न्यूक्लियस पल्पस पीछे आके न्यूक्लियस एनुलस को और पीछे कर देगा, जिसकी वजह से आपका नर्व यहाँ पे कंप्रेस होगा, इसको हम हर्निएटेड डिस्क कहेंगे, यहाँ से नर्व कंप्रेस हो रहा है, आप देख सकते हैं ये नर्व आ रहा है, स्पाइनल नर्व, ये नर्व यहाँ पे जा रहा है, ये फोरामेन से, लेकिन यहाँ पे इसको खाली जगह होना चाहिए था, लेकिन ये डिस्क आके इसको कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे, डिस्क को काटेंगे सर्जरी करके, ठीक है, ऐसा नेचुरल तरीके से, अगर जनरल है इसको हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, बेड रेस्ट और सपोर्ट से हम लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे, ट्रैक्शन वगैरह भी कराते हैं। खैर अब ट्रीटमेंट के बारे में हम लोगों को बात नहीं करना है, लेकिन बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें बताई जा रही, तो ये चीज़ें हमें कॉमन देखने को मिल रहा है आजकल, बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स, ऐसे प्रॉब्लम्स है जो अवॉइड करना चाहिए था, वो हम लोग गैर जरूरी, गैर जिम्मेदारी और लापरवाही के साथ हम करते हैं, जिसकी वजह से हमें दिक्कतें आती है, ओके। सो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर आगे हम लोग कल बात करेंगे, इसके आगे का टॉपिक वो है रिब केज, आगे के बोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने अब तक कितने बोन्स पढ़ी आपको मैं बताता चलूं, क्रेनियल के 8 बोन्स, फेस के आपके 14 बोन्स, ऑडिटरी ऑजल्स, ऑडिटरी बोन्स जो है आपके 3 बोन्स हो गए, सर्वाइकल के 7 बोन्स, थोरैसिक के 12 बोन्स, लुम्बार के 5 बोन्स, ठीक है, सैक्रम के 5 बोन्स, कॉक्सी के 1 और 4 बोन्स, 4 और 5, यानी पूरा मिला के फ्यूज करके 1 बोन, इसको आप ऐड करेंगे तो कितना होगा,
कल हम लोगों ने 25 पढ़ा था, 25 प्लस 33, तो टोटल कितने बन हो गए, 33 या 32, ठीक है, 25 प्लस 33, 58 बोन्स। तो 58 बोन्स 206 में से 258 बोन्स आपके एंड हो गए। आप या तो इसको 32 मान के चलिए, 33, ठीक है, थर्टी थ्री ही मान के चलिए, मोस्ट ऑफ द टाइम 33 ही होते हैं, 33 वर्टेब्रल कॉलम्स। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास।